कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी सहित 1-1 लाख के 2 इनामी हत्यारोपी निलंबित पुलिस कर्मियों को बांसगांव थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 1 लाख के इनामी हत्यारोपियों में रामगढ़ताल थाना इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह पुत्र स्वर्गीय सरदार सिंह निवासी ग्राम नारा थाना मुसाफिर खाना जिला अमेठी और दरोगा अक्षय मिश्रा पुत्र स्वर्गीय मंगल लाल मिश्रा निवासी कोट मझरिया थाना नरही जिला बलिया शामिल है, जबकि 4 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। आपको बता दें कि रविवार की शाम बांसगांव की पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। वहीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को SIT को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बांसगांव थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव, कांस्टेबल मोहित कुमार और राहुल यादव शामिल रहे, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपित इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार कर SIT के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में थे कि इससे पहले पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। जल्द ही इस मामले के अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे बहुत बढ़िया आएगा, लाइक
चल यार लाइट पे मार यार। कप्तान साहब बोलिए बोलिए। एसएसपी साहब, कप्तान साहब, कप्तान साहब, अरे एक मिनट इधर भी सुन लीजिए। गौतम चलो ये सारा कुछ।